गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे मैनेजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सब्जेक्ट का नाम है आपके मैनेजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो कि बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में आपके आता है। मैनेजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एक टॉपिक है आपका सेपरेशन। सेपरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन? पृथक्करण, हिंदी में इसको बोलते हैं पृथक्करण। आप लोगों को मालूम है कि आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ये जानते हैं कि बहुत से बच्चे जब बीकॉम क्लियर कर लेते हैं जॉब के लिए जाते हैं, या इंटर कर लेते हैं वो जॉब के लिए जाते हैं। जॉब के लिए तो सभी लोग जाते हैं, जैसे जिसकी पढ़ाई होगी उसको उस हिसाब का उसको उसके लेवल का जॉब उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो उस जॉब में जाने पर उसको एक सीवी लगानी होती है। इसमें सीवी लगानी होती है, ऑर्गेनाइजेशन में सीवी लगानी होती है। ऑर्गेनाइजेशन में सीवी लगाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संगठन। उसमें जब सीवी लगाता है तो उसका, अगर सीवी सेलेक्ट होती है उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जाने के बाद अगर उसका क्लियर होता है तो वो सिलेक्शन में आ जाता है। लेकिन इसके पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है, सेपरेशन को बाद में पहले रखेंगे, पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को जानना जरूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मतलब मानव संसाधन। जैसे कोई कंपनी होती है या कोई संगठन होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जब बच्चे जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उनकी नियमों और शर्तों, मतलब टर्म्स एंड पॉलिसीज को रखकर उनका वहां पर जॉब के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। भर्तियां निकाली जाती है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन किया जाता है, तो उनको इंटरव्यू को फेस करके जाना पड़ता है। लेकिन उनको नियमों और शर्तों को वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वो उस इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं कर पाएंगे। और उन एग्रीमेंट में लिखा क्या होता है, पड़े होते हैं कि आपको इतने आवर्स काम करना है, आपकी ये ड्यूटी है, आपको इस मोटिव को लेकर ऑर्गेनाइजेशन में आना है, आपका ये काम रहेगा, आपकी ये सैलरी होगी वगैरह वगैरह। तो आप जब उसमें काम करते हो तो उस मोटिव एग्रीमेंट में आप नीचे साइन करते हो। जब साइन कर देते हो तो एटलीस्ट आपके उसके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर उसके बेस पे आपके ऊपर कोई भी कुछ भी, आप अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हो ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी इशू क्रिएट करते हो तो आपका उसके बेस पे वो आपके ऊपर केस कर सकता है। अच्छा, सेपरेशन, मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब क्या है कि तो आप क्या हुए ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के आप क्या हुए? मानव संसाधन हुए, ह्यूमन रिसोर्स हुए। मतलब कि जो कंपनी में काम कर रहा है टर्म्स एंड पॉलिसीज को लेकर वो क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स हुआ। ठीक है, अब उसका मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसी का एक टॉपिक है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है कि जो एग्रीमेंट आपने साइन किया है उस एग्रीमेंट के अलग अगर आप गए तो आपको कुछ ना कुछ इश्यू या तो आपके साथ होगा या आपका बॉस के साथ होगा या आपका एम्प्लॉय के साथ होगा, या कुछ ना कुछ अगर आपने गड़बड़ किया तो आपका किसी ना किसी के साथ इशू होगा। उस इशू के कारण अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाते हैं, दैट मीन बाहर आ जाने का मतलब क्या है, या तो आप वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेंगे, या तो फिर आपकी इच्छा के अनुसार आएंगे, या फिर आपको वहां का बॉस जो है वो निकाल देगा कंपनी के बाहर। इसी को बोलते हैं क्या? पृथक्करण। पृथक्करण माने सेपरेशन, मतलब किसी कंपनी से किसी भी एम्प्लॉयर के वजह से या किसी बॉस की वजह से या किसी एम्प्लॉय की वजह से या किसी कोई भी इशू को लेकर अगर कोई भी कंपनी से बाहर निकलता है, अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन, पृथक्करण। पृथक्करण को जानने के बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कितने तरीके का होता है, मतलब टाइप्स ऑफ सेपरेशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेपरेशन, जैसा कि अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेपरेशन, टाइप्स ऑफ सेपरेशन में देखिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेपरेशन। नेचुरल सेपरेशन, वॉलंटरी सेपरेशन एंड मैंडेटरी सेपरेशन। नेचुरल सेपरेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वाभाविक पृथक्करण। ठीक है, वॉलंटरी सेपरेशन को क्या बोलते हैं? स्वैच्छिक पृथक्करण। मैंडेटरी को क्या बोलते हैं? अनिवार्य पृथक्करण। स्वाभाविक पृथक्करण का क्या मतलब है? नेचुरल सेपरेशन का मतलब कि जो व्यक्ति जब किसी कंपनी से अपनी वजह से या ना लेकर किसी स्वाभाविक, मतलब कि नेचुरल, मतलब नेचुरल नेचुरलिटी की वजह से जो बाहर निकलता है, अलग होता है कंपनी से। जैसे कैसे होता है? या तो उसका रिटायर
मुहैया, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी नहीं होगी, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी नहीं होगी तो भी कंपनी को लोग बंद कर देते हैं। जब कंपनी बंद हो गई है तो उससे क्या होता है कि उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अलग हो जाना मतलब वहां से काम को छोड़ देते हैं, उनका जॉब से अलग हो जाना होता है, उसी को बोलते हैं कंपनी क्लोजर। और वो किसके आता है, नेचुरल सेपरेशन। ये थ्री टाइप के नेचुरल सेपरेशन है जो कि आपके सामने है, रिटायरमेंट, एम्प्लॉई डेथ, कंपनी क्लोजर्स। नेक्स्ट आता है वॉलेंट्री सेपरेशन। वॉलेंट्री सेपरेशन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट आता है आपका वॉलेंट्री सेपरेशन। वॉलेंट्री सेपरेशन का मतलब ये होता है स्वैच्छिक पृथक्करण। ये दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉलेंट्री सेपरेशन, एम्प्लॉइज रेजिग्नेशन एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट। एम्प्लॉइज रेजिग्नेशन का क्या मतलब है? एम्प्लॉइज रेजिग्नेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉई अपने आप से किसी कारण से, चाहे उसकी हेल्थ का कोई इशू हो, चाहे वो काम नहीं करना चाह रहा हो, या उसके घर की कोई परेशानी हो, या कोई पर्सनल इशू हो उसके साथ में, या उसको सैलरी नहीं सही से मिल रही है वहां पर, या वो कहीं और स्विच करना चाहता है, जैसे कोई और स्विच क्यों करता है? जब किसी कंपनी में उसको जितना पैसा मिल रहा है, जितना की जॉब की वजह से उसको सैलरी मिल रही है, अगर किसी कंपनी में वो स्विच करता है दूसरी कंपनी में, तभी स्विच करता है जब उसको किसी दूसरी कंपनी में अच्छी सैलरी पे रखा जाता है। तो उसने स्विच किया तो वहां से जो उसकी पहली कंपनी, वहां से तो सेपरेशन हो गया ना, दैट मींस वहां से वो पृथक्करण उसका हो गया। उसी को बोलते हैं स्वैच्छिक पृथक्करण, एम्प्लॉइज रेजिग्नेशन। एम्प्लॉइज रेजिग्नेशन मतलब अपनी इच्छा से कोई एम्प्लॉई, अपनी वजह से कोई एम्प्लॉई, अपनी ही समझ के अनुसार कोई भी एम्प्लॉई किसी भी संगठन से बाहर हो जाता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज रेजिग्नेशन। वो बहुत से कारण होते हैं, हेल्थ इश्यूज, या अपने घर की परेशानी की वजह से, या कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से, या फिर किसी और कंपनी में जाने की वजह से, वो उसके उसकी प्रॉब्लम है कि वो क्यों अलग हो रहा है, या वो उसके रीजन से वो क्यों अलग हो रहा है, उसको मालूम होता है। तो उसकी वजह से वो अगर अलग होता है किसी भी कंपनी से या संगठन से, उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज रेजिग्नेशन। नंबर टू इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है? कि जब किसी भी कंपनी के पास लोगों की आधिक्य हो जाता है, आधिक्य का मतलब सरप्लस हो जाता है, लोगों का सरप्लस हो जाता है, मतलब लोगों का क्या मतलब है यहाँ पर, किसी एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज का सरप्लस हो जाता है, वहां पे काम ज्यादा नहीं बचा है, तो उनकी एक ये रणनीति कह सकते हैं आप लोग, या उनकी एक पॉलिसी कह सकते हैं कि वो एक पॉलिसी ऐसी बनाते हैं जिसमें वहां का एम्प्लॉइज अपने आप ही छोड़ के चला जाए। मतलब वो ये कह देते हैं कि आप यहाँ से उनको अवसर दिए जाते हैं, अवसर का मतलब उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसी की, कि जो जो पर्सन, जो जो एम्प्लॉय
उनको काम नहीं है,